Hello students, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 3rd of exercise 4A, chapter 4, multiples and factors. Now, today we start next question, question number 4. Now we see question number 4. Write P for prime and C for composite. Beta, jo prime numbers honge, uske liye mujhe kya write karna hai? P write karna hai. Jo mere composite number honge, unke liye kya write karna hai? C. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट. अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें क्या गिवन है बेटा? उसमें गिवन है हमें 12. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर 12 कैन बी रिटन एज 1 × 12, 3 × 4 एंड 2 × 6. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा यू ऑल्सो राइट लाइक दैट 12 × 1, 4 × 3, 6 × 2. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा इसमें क्या हुआ है, सिर्फ मैंने क्या करा है, जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड नंबर की सिर्फ पोजिशन चेंज करी है. बेटा यहाँ पे 1 × 12 था, मैंने इसे क्या राइट कर दिया 12 × 1. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सेम हेयर बेटा, 1 की मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा. और जब बेटा 12 बन जाए, 12 होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 3 × 4 जा क्या होता है, 12 होता है. और जब बेटा मैं बोलूँ 4 × 3 जा क्या होता है, तब भी 12 होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 2 × 6 जा क्या होता है हमारा, 12 होता है. और 6 × 2 जा भी क्या होता है, 12 होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसमें क्या चेंजमेंट है, बस बेटा दोनों मल्टीपल को हमने पोजीशन चेंज कर दी है. जो फर्स्ट था उसे सेकंड पर राइट कर दिया, जो सेकंड था उसे फर्स्ट पर राइट कर दिया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड. सिंस 12 इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. जो बेटा मेरा 12 है वो 1 और इटसेल्फ से, दूसरे नंबरों से भी डिविजिबल है. सो 12 इज अ कंपोजिट नंबर. इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, इस कंडीशन की वजह से 12 एक कंपोजिट नंबर बन गया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें क्या है बेटा, उसमें क्या होना है 31. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर 31 कैन बी रिटन एज 1 × 31. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 31 × 1. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बट कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर. बेटा अब हमें जो फर्स्ट पार्ट में हमने उसे सो मैनी टाइप से राइट कर लिया था, पर हम इसमें और तरीके से किसी और नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में हम राइट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट ओनली हैज द फैक्टर 1 और 31. बेटा इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 31. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो 31 इज अ प्राइम नंबर. जो मेरा 31 है वो क्या है, प्राइम नंबर है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 38. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर 38 कैन बी रिटन एज द 1 × 38, 2 × 19. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यू ऑल्सो राइट लाइक दैट विद 38 × 1 एंड 19 × 2. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सिंस 38 इज डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. जो बेटा मेरा 38 है वो अपने आप से और 1 से अलग नंबर से भी क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 × 19, मीन्स जो मेरा 38 है अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 19 आएगा. सी है 2 × 1 = 2. अब बेटा 3 × 2 जाएगा, 1 आएगा. 8 मैंने ऊपर से नोट डाउन कर दिया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा 2 × 9 जा क्या हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? मीन्स जो मेरा 38 है वो 19 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मीन्स इसके फैक्टर क्या हो गए बेटा, मोर देन 2 हो गए, इसलिए ये क्या बन गया, कंपोजिट बन गया. सो 38 इज अ कंपोजिट नंबर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 46. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर 46 कैन बी रिटन एज 1 × 46, 2 × 23 एंड 46 × 1. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा 46 है वो डिविजिबल है एक तो 1 से, 2 से
और 46 तो वो डिविजिबल है ही, मीन्स इसके इफेक्टर क्या हो गए बेटा, मोर देन 2 हो गए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल का मीन्स होता है बेटा कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मैं क्या करूँगी, 2 से 46 को डिवाइड करूँगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा क्या होता है, 2 2 4 होता है। ओके बेटा, जब 4 में 4 जाएगा 0 आएगा, 6 ऊपर से नोट डाउन कर दूंगी, तो 2 3 जा क्या होता है बेटा, 6 होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 23 आ गया। तो जो मेरा 46 है बेटा वो 2 से भी डिविजिबल है, 23 से भी डिविजिबल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो 46 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा ये 46 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें क्या गिवन है, 61 क्या गिवन है बेटा हमें, 61 इज द क्यूर स्टूडेंट। द नंबर 61 कैन बी रिटन एज 1 × 61 और 61 × 1 इज द क्यूर स्टूडेंट, बट कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर। बेटा इसे और किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके और कोई फैक्टर ही नहीं होते। इट ओनली हैज़ द फैक्टर 1 और 61। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और, बेटा इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 61। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो 61 इज अ प्राइम नंबर। तो हमारा 61 क्या बन गया बेटा, प्राइम नंबर बन गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 83। इज इट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर 83 कैन बी रिटन एज 1 × 83 और बेटा क्या राइट कर सकते हैं इसे, 83 × 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बट कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर, इट हैज़ द फैक्टर्स 1 और 83। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरा 83 नंबर है, ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, या तो ये 1 से डिविजिबल है या सिर्फ 83 से डिविजिबल है। चाहे बेटा आप चेक कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके देख लो इसे। अगर हम मैंने 2 से 83 को डिवाइड करती हूँ बेटा, तो क्या होता है बेटा, 2 4 8 होता है, और बेटा 8 में से 8 जाएगा, 0 आएगा। 3 मैंने नोट डाउन कर दिया, और बेटा 2 × 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया बेटा। तो बेटा जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मीन्स इसने रिमाइंडर लीव कर दिया। फैक्टर का मीन्स होता है बेटा कंप्लीट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। आपका रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, वही उसका फैक्टर होता है। आप बेटा इसे 3 से भी डिवाइड करके देख सकते हो 83 को। अब बेटा 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। अब बेटा मैंने क्या करा, 8 में से 2 वो 6 माइनस करा, तो क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, और 3 मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इधर क्यों स्टूडेंट? तो बेटा 3 7 जा क्या होता है हमारा, 21 होता है। अब बेटा 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। इधर क्यों बोल दो स्टूडेंट? तो बेटा क्या हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया, मींस के जो मेरा 3 भी है वो भी फैक्टर नहीं है 83 का। इधर क्यों बोल दो स्टूडेंट? मींस कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिन्हें डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाए। सो 83 इज़ अ प्राइम नंबर। जो मेरा 83 है वो एक प्राइम नंबर है। इधर क्यों बोल दो स्टूडेंट?